नमस्कार, मैं इंदौर से पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको जो हमारे ऋषि मुनियों की दिव्य औषधियाँ जो खोजी हुई थी उसमें से आज एक का परिचय कराती हूँ। इसके देखिए इतना अजीब है, इसके पेड़ का नाम अलग है और इसके बीजों का नाम अलग है। इसके बीजों को इंद्रजौ बोलते हैं और पेड़ को कोई इंद्रजौ का पेड़ बोलता है, कोई कूड़ा का पेड़ बोलता है। हम लोग तो इंद्रजौ का ही पेड़ बोलते हैं इसको। मैंने अभी जंगल में जाके उसके सूट देखे। नमस्कार, मैं पुष्पा श्रीवास्तव। देखिए आज आपको वनस्पतियों से जब मैं परिचय कराती हूँ, आज मैं जंगल में आई हुई हूँ। आज आप ये पौधे को देख रहे हैं, पेड़ को, ये इसको वन जूही भी बोलते हैं। बहुत खुशबू आती है इसमें और इसकी फली की विशेषता है। आपने कभी भी जंगल गए हो तो कभी ना कभी ऐसी फली पर आपका निगाह पड़ी होगी। ये फली जब लगती है तो ऐसी नीचे से जुड़ी होती है और खूब मध्य प्रदेश के जंगल में ये खूब होती है। इसका नाम, इस पेड़ का नाम है इंद्रजौ। और आप इसकी छाल देख रहे हैं, ये ऐसी इसकी छाल है। इसमें से सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है। छाल को बोलते हैं कुट्टज या कूड़ा। आपने नाम, कई वैद्यों ने नाम सुने होंगे, एक कुट्टज या कूड़ा। और पेड़ की फली को बोलते हैं इंद्रजौ, वन जूही इसका नाम है। अब आप लोग सोचते हैं कि मैं हर पौधे को दिव्य औषधि क्यों बोलती हूँ। वो इसमें इतने औषधीय गुण छुपे हुए हैं। जैसे अगर किसी को खूब ज़्यादा दस्त हो रहे हैं तो आप ये पेड़ के, कहीं ऐसा आपको पेड़ गिर जाता है तो उसकी छाल, केवल 10-15 ग्राम छाल आप कूट कर आप उसको उबाल कर पिला दीजिए, दस्त तुरंत बंद होते हैं। हजारों बार आजमाया वाला, सदियों से ऋषि मुनि वैद्य लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये इंद्रजौ, इंद्रजौ मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगी। इंद्रजौ एक ऐसा है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत बढ़ाता है, शरीर के दर्द को खींचता है। इस ये छाल का भी उपयोग, ये फूलों का भी उपयोग और इसकी फलियों का, इसके बीजों का भी उपयोग। ये इंद्रजौ का पेड़ है, या कूड़े का भी पेड़ बोलते हैं इसको, कुट्टज भी बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं, पर शास्त्रों में इंद्रजौ लिखा हुआ है वो आपको मैं बताऊंगी। अपन आज चर्चा करते हैं इसके फायदे के बारे में। ये इतना दिव्य औषधि है, कभी कभी तो यकीन करना भी मुश्किल होता है। मैं वैद्यों और लाखों पेशेंट को मैं देख चुकी हूँ, एक दो नहीं, हजारों नहीं, और करीब करीब 99% पेशेंट को मैं, तीन चार चीज़ मेरे पेटेंट फार्मूला में है जिसमें खूब कला है, अमृता है, बस में एक चीज़ होती है इंद्रजौ। मैं सभी पेशेंट को, चाहे किसी भी बीमारी के लिए वो आया हो, कोई भी बीमारी हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, मैं इंद्रजौ का सेवन उसको करवाती हूँ। इसके औषधीय गुणों के बारे में मैं जानती हूँ कि कितना ज़्यादा फायदा करते हैं। पहले अपन इसकी प्रकृति के बारे में समझें। इसकी प्रकृति शीतल है और बहुत ठंडी भी नहीं है। हर व्यक्ति ले सकता है, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, महिला, रोगी निरोगी, हर व्यक्ति इसको ले सकता है। अब इंद्रजौ देखिए, बाज़ार में आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, आपको खरीद के लाना है। पाउडर चूर्ण मत लाइएगा और ऑनलाइन भी मंगाइए मत, किसी पंसारी की दुकान से आप 1 किलो खरीद लाइए, ये ऐसा मिलेगा आपको। और इसको हम लोग पीस लेते हैं तो पीसने के बाद आप अपने मिक्सर में भी पीस सकते हैं, ये इस तरह से ये पाउडर बन जाते हैं। इसके फायदे सुनिए। अब पुरुषों के लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ है कि ये बहुत देर से आता है, जल्दी खलन नहीं होता है, व्यक्ति समझ जाना। शरीर की जितनी खुजली है उसको ठीक करता है, रक्त शोधक है, पौष्टिक है, किसी भी तरह का पेट दर्द। देखिए कभी कभी, मैं किसी भी दर्द का मतलब एक सामान्य बता रही हूँ, कभी कभी ट्यूमर वगैरह कई चीज़ बड़ी बड़ी होती है, उन सब चीज़ों पे मेरे सामान्य अगर कुछ भोजन में गड़बड़ी हो जाए तो पेट दर्द को भी एक ठीक करता है। स्किन के दाग धब्बे जब रक्त शोधक हो जाएगा तो त्वचा से संबंधित जितनी व्याधियाँ वो ठीक हो जाएगी। पित्त अगर कम हो जाता है तो पित्त से संबंधित जैसे मानसिक तनाव है और आँखों में जलन है,
अच्छा, जब खुजली ठीक होती है शरीर के जलन को भी ये ठीक करता है, पाइल्स के लिए भी उत्तम है, बवासीर किसी भी तरह का बवासीर हो। अच्छा, पेट एकदम ठीक रखता है, मैंने बताया कि पेट से ही सब बीमारियां आती है, कब्जियत से। ये बहुत ऐसा औषधि है कि जिसको लेने के बाद मल एकदम साफ निकल जाता है और ये जुलाब नहीं है। सबसे बड़ी बात, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो जुलाब नहीं होती है लेकिन हल्की सी दस्तावर होती है। अच्छा, जिसको दस्त हो रहे हैं वो भी ले सकता है। इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है कि मैं इसकी कितनी तारीफ करूं। ये तो होगी इसके बीजों की, आपको बीज लेना कैसे पहले समझ लीजिए। हर बार एक सब क्वेश्चन रहता है, खूब फोन आते हैं कि आपने लेने की विधि सही नहीं बताई। ये देखिए, हाफ टी स्पून आप बिंदास बिल्कुल लेते रहिए। जिनको वीर्य खलन की जो समस्या है, रहे जो वर्तमान में बहुत ही तेज़ी से आ रही मर्दों में, उनके लिए आधी चम्मच आप ले लीजिए, पानी से फांक लीजिए। इंद्रजव के बीज में, इसमें दो इंद्रजव आती है, एक कड़वी और मीठी। आप कड़वी लाइए, कड़वी थोड़ी महंगी मिलती है लेकिन गुण उसमें, औषधीय गुण ऋषियों ने उसमें औषधीय गुण ज़्यादा पाए हैं, मीठी में थोड़े औषधीय गुण कम हैं। अब ये बीजों की बात होगी, बीजें तो ये सब काम करती ही है कि पेट साफ करना, रक्त शोधक, सभी के लिए अति उत्तम। मैंने बताया कि मैं वैदूर हजारों पेशेंट को दे चुकी हूँ, हजारों नहीं लाखों पेशेंट को मैं इंद्रजव खिला चुकी हूँ कड़वी। ये फार्मूला मुझे बहुत पहले मेरे गुरु होते थे 35-40 साल पहले, उन्होंने बतलाए थे। वो उस समय 105 साल के थे, वो इसका प्रयोग ज़्यादा करते थे, तो ये प्रयोग मैंने भी चालू किया और जो मैं रोगी का रिजल्ट देखती हूँ, आश्चर्यजनक फायदे मिलते हैं। अब देखिए इसकी छाल, कितना भी भयंकर दस्त हो रहे हो, आजमाना मेरी बातों को। मैं वो ऐसे बकवास वीडियो नहीं बनाती हूँ, डंके की चोट पर बोलती हूँ। इसकी छाल कहीं कितना भी अतिसार हो, पेट में दर्द होता हो, मल बिल्कुल पानी जैसे लग रहे हो, आप इसकी छाल आप टुकड़ा आप दे दीजिए कूट के, या इसकी छाल लेकर आए जंगल से और कूट पीस के रख लें। और कूड़ा की छाल बोलिएगा, कूड़ा की छाल, देखिए मैंने अभी बताया कि फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, कुट्टच या कूड़ा एक बात है और कुटकी अलग है। कुटकी आपको लंबी लंबी जड़ जैसी मिलेगी, वो मत लाइएगा, कूड़ा की छाल ही मांगिएगा उससे आप, कूड़ा की छाल। और कहीं नहीं मिलती है तो मैं भेज दूँगी आपको, मेरे पास तो टनों से रहती है। कूड़ा की छाल आप आधी चम्मच दे दीजिए, कैसा भी दस्त हो, बच्चे वगैरह छोटे मात्रा में दे दीजिए दस्त हो रहे हैं तो, और ज़्यादा बड़े हैं तो उनको एक डेढ़ चम्मच दे दीजिए। खुराक अपने हाथ से तय करना पड़ता है कभी कभी रोगियों को, अगर ज़्यादा दस्त है तो थोड़ी ज़्यादा दे दीजिए, और अगर ज़्यादा ही ये काम नहीं कर रहे तो और ज़्यादा दे दीजिए। नुकसान कुछ नहीं है, वनस्पति है, देवता तुल्य वनस्पति है। इसका नाम इंद्रजव है, इंद्रजव कर्नल चोपड़ा एक हमारे वैज्ञानिक होते थे वनस्पति के, खूब उल्लेख है उनका, उनके बहुत रिसर्च थे। उनके रिसर्च में उनने ये बोला है कि इंद्र के द्वारा ये धरती पर जब अमृत वर्षा हुई, जब इंद्रजव की उत्पत्ति हुई, सच्चाई में और दूसरे ग्रंथों में तो कुछ नहीं लिखा है, कर्नल चोपड़ा ने बताया है। लेकिन आप इसका प्रयोग जी भर भर के करिए, इंद्रजव आप खाइए, इंद्रजव की छाल। मैंने कई बार ऐसे पेशेंट ठीक की हुए कि कोई भी, मतलब एलोपैथ की कोई भी दवाई उसके काम में नहीं आ रही थी, उस महिला के सब हार चुके थे, उसके दस्त कोई भी नहीं बंद कर रहा था। मैं तुरंत जंगल गई, ये तो क्या है, बहुत पास में है जंगल, यहाँ से 20-25 किलोमीटर पे, वहाँ से ताजी छाल लाई, दिन में 2 बार देती रही। इतनी तारीफ मिली कि मैं क्या बताऊँ। जो कभी कभी एलोपैथ नहीं कर पाता है वो आयुर्वेद चुटकियों में निकाल देता है। इसकी फली की एक बहुत अच्छी विशेषता है, इसकी फली बहुत चिकनी ड्रमस्टिक जैसी रहती है लेकिन खूब पतली होती है और नीचे से जुड़ी होती है। देखिए कुदरत का करिश्मा, दो फली निकलती है और दो ही फली निकलती है और नीचे से जुड़ी होती है, वो पूरे वृक्ष में ये फलियाँ लटकी हुई होती है। और इसके फूल की तो क्या खुशबू, मेरे आप देखिएगा, मैं जंगल में बताती कि वन जूही भी इसको बोलते हैं,
और इसका प्रयोग करें। और इंद्र जो तो आप खाते रहिए, और अगर किसी को दस्त होते हैं तो इसको आप संग्रह करके सुखा के चूर्ण बना के रखें। देखिए आप कई बार छोटी छोटी चीज़ों से लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं। ये करके देखिए प्रयोग, नुकसान कुछ भी नहीं है। और यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार। कुछ अगर आपको समस्या आती है या मेरा वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से जवाब दूंगी। जो मेरा ज्ञान है वहाँ तक तो मैं आपको आपको मदद कर सकती हूँ। भगवान धन्वंतरि आपको सदैव निरोगी रखे, सुखी रखें। मैं सबसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आप मेरा वीडियो देख के मुझे एक फीस दीजिए, अपने शरीर को अपने शहर को स्वच्छ बना के रखें। ये पर्यावरण से जुड़ी चीज़ें हैं। वनस्पतियों का संग्रह छोटे छोटे गमलों में करें और पर्यावरण को बचा के रखें। बिना मतलब पेड़ पौधे ना काटें, वृक्ष लगाएं। हर बारिश में ज़्यादा कुछ नहीं, आप 10-15 वृक्ष जरूर लगाएं। या एक काम और करें, आपसे निवेदन है, खूब बीज संग्रह करें तरह तरह के, और जैसे ही बारिश आती है आप कहीं पर भी जंगल में या आसपास जाके बीज फैला दीजिए। कुदरत अपने आप उसको बढ़ा कर लेगी, चाहे वो गेंदे के फूल हो दिवाली पे निकले हुए, या कोई भी बीज हो, या पपीते के इनके उनके। आप करके देखिए कुदरत का कितना आपको आशीर्वाद मिलेगा। नमस्कार और धन्यवाद।